क्या हाल चाल है आप लोग के। तो गाइस देखो, एक मस्त सी तगड़ी सी अपडेट निकल के आ चुकी है गाइस डॉन 3 को लेकर। तो गाइस देखो, शाहरुख खान की मच अवेटेड यानी पार्ट 1 और डॉन पार्ट 1 और पार्ट 2। गाइस अपने को शाहरुख खान देखने को मिले थे, पर भाई लोग हाल फिलहाल की न्यूज़ ये आ रही है कि शाहरुख खान इस मूवी से एग्जिट, यानी इस मूवी में अपने को देखने को नहीं मिले। और भाई साहब, शाहरुख खान की जगह पर इस मूवी में रिप्लेस किया गया है अपने वन एंड ओनली रणवीर सिंह को, ये अपडेट मिल रही थी। तो गाइस देखो, हमको तो पता चल ही चुका है कि गाइस अब डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं होंगे। तो भाई लोग, ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है, क्योंकि गाइस एसआर के फैंस के लिए तो ये बुरी न्यूज़ है। और भाई लोग देखो, रणवीर सिंह के फैंस के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, रणवीर सिंह की करियर की वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर भी हो सकती है ये डॉन 3। तो भाई लोग देखो, इस मूवी को लेकर, इसके अनाउंसमेंट को लेकर, यानी आपने को कंफर्म तो हो चुका है कि रणवीर सिंह आप इसमें देखने को मिलेंगे। और इसकी मतलब डॉन 3 की अनाउंसमेंट कब तक अपने को देखने को मिलेगी, इसको भी लेकर एक अपडेट आई है। तो देखो गाइस, तुम चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे भाई डेली ऐसी नई नई वीडियोज़ तुम्हारे लिए लाता रहता है अपडेटेड वाली। तो गाइस बात करें डॉन 3 की, मतलब अनाउंसमेंट अपने को कब तक देखने को मिलेंगी। तो गाइस लोग, जिस हिसाब से अपडेट आई है तुम्हारे भाई के पास, जो अपडेट आ रही है ना गाइस, उससे ये लगता है कि डॉन 3 की अनाउंसमेंट है ना गाइस, गाइस इस महीने के एंडिंग तक या फिर गाइस जून के फर्स्ट या फिर मिड जून तक आपको इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। रणवीर सिंह इसमें अपने को देखने को मिलने वाले, और इसकी अनाउंसमेंट 15 जून से पहले अपने को देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी अपडेट आ रही है, मान के चलो इस मंथ के एंडिंग तक आप तो नहीं आ सकती, पर गाइस जून के फर्स्ट वीक में या फिर मिड ऑफ जून तक इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, ऐसी अपडेट आ रही है। तो अब तुम लोग बताओ यार, डॉन 3 को लेकर तुम लोग के क्या ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल पर नए आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर दोगे।